हेलो दोस्तों, मैं अब्दुल मजीद आप लोगों के लिए लाया हूँ छोटा सा एक वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आज MX प्लेयर लेकर, जिसमें हम लोग वीडियो देखते हैं। दोस्तों जैसे कि हम लोग इस ऐप्स को बहुत दिन से यूज करते हैं। इस ऐप्स के अंदर दोस्तों बहुत सारा ऑप्शन है, और मतलब आप इसको वीडियो में कलर वलर बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला हम लोग एक ऑप्शन सीखते हैं, जैसे कि घर पे बच्चा लोगों को वीडियो देखने के लिए देखते हैं, और बच्चा लोग उल्टा सीधा टिपते हैं, और हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग क्या करते थे दोस्तों, वीडियो को मैक्स प्लेयर में ओपन करके, और वो जैसे कि कोई भी वीडियो ओपन कर लेते हैं। दोस्तों आपको देखाते हैं जैसे कि इस वीडियो में ओपन किया, और जैसे कि वीडियो ओपन करने के साथ जो इधर आपको लॉक का ये देख रहा है, इसको हम लोग लॉक करके मतलब देते थे बच्चा लोगों को। लेकिन आजकल का दोस्त क्या है, बच्चा लोग को मालूम पड़ता है कि जैसे कि स्क्रीन पर टास्क करता है तो ऐसा लॉक का मतलब याद आता है, तो उसमें टास्क करके बच्चा लोग निकाल सकता है। तो चलिए दोस्तों आज ऐसा एक मतलब सेटिंग दिखाएंगे मैक्स प्लेयर का, जैसे कि बच्चा लोग उसमें उसको क्या कुछ नहीं कर सकता है और उसको अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों अभी देख लेते हैं उस सेटिंग को, जैसे कि थ्री डॉट में क्लिक कीजिएगा और सब्सक्राइब और क्या वो सेटिंग में क्लिक कीजिएगा। सेटिंग में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है कंट्रोल में, और कंट्रोल में जाने के बाद आपको इधर दिखाई दे रहा है लॉक मोड, उसमें आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जैसे कि आपको नीचे का ऑप्शन, उसमें आपको टास्क कीजिएगा। टास्क करने के बाद दोस्तों जैसे कि टास्क ऊपर का भी कर सकता है, लेकिन ऊपर करने से कोई नहीं फायदा नहीं रहेगा, नीचे का करने का अच्छा रहेगा, उसका म्यूजिक भी दिएगा। तो जैसे कि वीडियो आप क्लिक किया और इसमें लॉक को दबा दिया, दबाने के बाद दोस्तों जैसे लॉक को दबा दिया दोस्तों, अभी इसमें अगर टास्क करेगा तो जैसे कि ऐसे आने लगेगा। अगर ऐसे मतलब ऐसा करके बच्चा लोगों को हाथ में मोबाइल दिएगा तो बच्चा लोग देखते रहेगा और कुछ नहीं करेगा। और दोस्तों इस लॉक को खोलने के लिए सीरियल बाय चारों तरफ में एक एक बार टिप कीजिएगा तो ये लॉक खुल जाएगा। चलिए अगले ऑप्शन देख लेते हैं, उसका वीडियो का जो लेखा वगैरह आता है, जैसे कि उसका स्टॉप करने वाला, आगे करने वाला, कार्डिंग करने वाला जो बटन सब रहता है, आपको एक वीडियो ओपन करके मैं देखाता है ओके मत कैसे रहता है उसको देखाता है। जैसे कि मैं कोई वीडियो ओपन कर लिया, और जो आपको देख रहा है नीचे एक दो तीन ऑप्शन से देख रहा है, जो स्टॉप करने वाला, वीडियो कार्डिंग करने वाला, और लॉक का, तो उसका भी आप चाहे तो कलर चेंज कर सकता है अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए थ्री डॉट में जाना, और जाने का दोस्तों सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको दिखाई देगा स्टाइल, इस कोने पर स्टाइल में आप क्लिक कीजिएगा। जैसे दोस्तों आप स्टाइल में क्लिक कीजिएगा दोस्तों आपको दिखाई देगा इधर वही उसमें आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको नीचे वाला ऑप्शन को चॉइस करना, जब भी आप न्यूज का चॉइस करेंगे दोस्तों तो ये जो आपको नीचे वाला जो लाइन देख रहा है इसको अभी छोटा होकर आएगा, और ऊपर का रखेगा तो दोस्तों वो नीचे वाला वो बड़ा हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिए वो बड़ा हो जाता है, अगर नीचे का टास्क करता है तो दोस्तों वो छोटा हो जाता है। आप चाहे तो आपको जैसा भी रखने के लिए मन करता है आप रख सकता है, और ऊपर का जो तीन देख रहा है इसी तरह वो इस तरह आप उसको मतलब कलर कर सकता है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको थोड़ा बहुत करके देखाता है दोस्तों, तो आप लोग इसी तरह कलर कीजिएगा। कलर को आपको जो अच्छा लगता है वही कलर आप चॉइस कीजिएगा। करने के बाद दोस्तों आप क्या कीजिएगा, बैक में आ जाइएगा, देखिए आपका ये सब बटन्स अलग हो गया, और इसका भी अलग हो गया, ऊपर का वो नाम लिखा हुआ वो सब भी अलग हो गया दोस्तों। आप चाहे तो इस तरह आप कर सकता है अगर आपको अच्छा लगता है तो चलिए दोस्तों अभी दूसरा सेटिंग सीख लेंगे। अगला सेटिंग है दोस्तों, जैसे कि आप नीचे में देख रहा है इधर एक दो तीन चार बटन है, पांच बटन है, और चाहे तो इसमें और दो मतलब वीडियो काटने का और दो बटन आप बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए सेटिंग पर जाने का, और ऊपर इस पर क्लिक कीजिएगा, और ऊपर में जो देख रहा है फोल्डर्स उसमें आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए इधर दो ऑप्शन और ज़्यादा हो गया, इसमें से आप वीडियो कार्डिंग कर सकते हैं, ऐसे भी कार्डिंग होता है लेकिन उसमें से भी आप चाहे तो कर सकते हैं, अगर ऑप्शन बनाना चाहता है तो कर सकता है। तो दोस्तों अभी जो सीखेंगे दोस्तों वो सेटिंग है दोस्तों, जैसे कि आपका मैक्स प्लेयर में हमेशा वीडियो शो करता है, आप चाहता है कि हमारा मैक्स प्लेयर में ऑडियो भी शो करे,
तो उसके लिए दोस्तों आप सेटिंग 3 डॉट में क्लिक कीजिएगा और सेटिंग में चला जाने का और इसमें ऑडियो में क्लिक कीजिएगा और ऊपर का ऑडियो का उसमें टिक लगा दीजिएगा। जैसे कि उसमें राइट चिन्ह आप लगा दीजिएगा तो आपका मैक्स प्लेयर में सारा ऑडियो वीडियो सब कुछ आपको उसमें मतलब दिखाई देगा और उस उधर से आप चला सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो सीखेंगे दोस्तों वो है दोस्तों जैसे कि हम लोग मैक्स प्लेयर में वीडियो देखते हैं और उसको जैसे कि जब बैक करता है तो एक बार बैक करने में चला जाता है। अगर आप चाहते हैं तो आप 2 बार टाइप करने से मतलब बैक हो जाता है। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा और प्लेयर में जाने का और आपको नीचे में दिखाई देगा डबल टैप, इसमें आप क्लिक कर लीजिएगा तो आपको कोई भी वीडियो जैसे कि आप ओपन करते हैं तो एक बार बैक करने से नहीं आएगा, साथ ही में 2 बार मतलब बैक करने से आपको उस वीडियो को मतलब बैक कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों यही था आज का ट्रिक्स, अगले बार और हेलो दोस्तों मेरा इस वीडियो अगर आपका अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा माय चैनल और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा क्योंकि सबसे पहले वीडियो जब भी मैं अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।